एक गुरु के आश्रम में आज एक नया शिष्य आया हुआ था। आज उसका पहला ही दिन था। दोपहर होने वाली थी, तभी उसे घंटी के बजने की आवाज़ सुनाई पड़ी। घंटी की आवाज़ सुनते ही आश्रम के सारे छात्र अपना अपना काम छोड़कर बड़ी ही शांति से एक लाइन में लगकर खड़े हो गए। तभी अंदर से कुछ छात्र दो बड़े बड़े बर्तनों में भोजन लेकर आए और बगल में पेड़ के पत्तों से बनी थालियों का एक बंडल रख दिया। छात्र एक एक कर जाते और थाली में भोजन लेते। लेकिन नए शिष्य के लिए हैरान करने वाली बात यह थी कि बच्चों की कतार भोजन के बर्तनों से कुछ 5-7 हाथ की दूरी पर थी, और कतार में से एक एक छात्र जब भोजन के बर्तनों की तरफ बढ़ता तो वो खुद को थोड़ा सा झुका लेता, जैसे कि वो भोजन को प्रणाम कर रहा हो, उसके सामने अपना शीश झुका रहा हो। फिर वो बड़े ही शांत भाव से भोजन को थाली में लेता और वहाँ से दूर जाकर बाकी छात्रों के साथ एक लाइन में बैठ जाता। फिर वो कुछ समय तक बड़े ध्यान से भोजन को देखता और फिर अपने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके कुछ समय तक मुँह से कुछ कहता और फिर बड़े ही प्रसन्न और शांत मन से भोजन करता। उस नए छात्र ने भी भोजन लिया और सभी के साथ भोजन किया। उसने ये भी अनुभव किया कि सभी छात्रों को जरूरत से थोड़ा कम भोजन परोसा जा रहा था। भोजन करने के बाद सभी छात्र कुछ समय के लिए आराम करने लगे। कुछ देर तक आराम करने के बाद सभी छात्र फिर से अपने अपने काम में लग गए। सभी शाम होने तक अपने अपने कामों में लगे रहे। फिर अचानक से एक घंटी बजने की आवाज़ आती है और सभी छात्र फिर से अपना अपना काम छोड़कर हाथ पैर धोते हैं, खुद की सफाई करते हैं और कुछ देर बाद फिर से सभी एक कतार में लग जाते हैं। अभी सूरज डूबने में कुछ समय बाकी था और यह छात्रों के भोजन का समय था। फिर सारे छात्र सुबह की भांति भोजन लेते हैं और ग्रहण करते हैं। उसके बाद सारे छात्र आश्रम के आसपास ही टहलते रहते हैं और आपस में बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद आश्रम के अंदर से एक आवाज़ आती है और सारे छात्र एक कक्ष में जाकर एकत्र हो जाते हैं। फिर आश्रम के गुरु वहाँ आते हैं और सभी साथ में बैठकर ध्यान का अभ्यास करते हैं। काफ़ी देर तक ध्यान का अभ्यास करने के बाद सारे छात्र शयन कक्ष में जाते हैं और सो जाते हैं। नया छात्र भी सबके साथ वही करता है। उसे ये सब अजीब लग रहा था क्योंकि उसने आज तक ऐसा अनुशासित दिन व्यतीत नहीं किया था और ध्यान कक्ष में भी ध्यान करने में उसका मन नहीं लग रहा था। लेकिन किसी तरीके से सबके साथ उसने सब कुछ किया और फिर सो गया। सुबह प्रातःकाल जल्द ही सारे छात्र उठ गए। उनकी आवाज़ सुनकर वो नया छात्र भी उठ गया। उसका और सोने का मन कर रहा था, लेकिन उसने किसी तरीके से अपने मन को समझाया और बाकी शिष्य जो कर रहे थे वही करने लगा। सारे छात्र खुद को दैनिक कार्यों से निवृत्त करने के बाद गुरु के पास जाकर ध्यान करने बैठ गए। नया छात्र भी उन सबके साथ ध्यान करने बैठ गया, लेकिन उसका मन भटक रहा था। वह सोच रहा था कि मैं यहाँ कहाँ फंस गया, लेकिन किसी तरीके से उसने अपना वक्त काटा। ध्यान से उठने के बाद सभी शिष्य फिर से अपने अपने कामों के लिए निकल पड़े। कोई भिक्षा मांगने, कोई बगीचे की देखभाल करने, कोई खाना बनाने, कोई सफाई करने। जिस भी छात्र को जो काम दिया गया था वह अपने काम पे निकल पड़ा, लेकिन वह नया छात्र वहीं खड़ा रहा। गुरु की नज़र उस नए छात्र पर पड़ी तो उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, क्या हुआ, कुछ परेशानी है? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी, कोई परेशानी नहीं है। गुरु ने कहा, चिंता मत करो, कुछ ही दिनों में तुम यहाँ के सारे तौर तरीके सीख जाओगे। इतना कहकर गुरु जाने लगे, लेकिन वह शिष्य वहीं खड़ा रहा। तो गुरु ने शिष्य से कहा, मुझे लगता है तुम्हारे मन में कोई प्रश्न चल रहा है, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? शिष्य ने संकोच भरी आवाज़ में पूछा, गुरुजी, जब मैं कल आया तो मैंने देखा कि सारे बच्चे भोजन के सामने अपना सिर झुका रहे थे और भोजन करने से पहले हाथ जोड़कर कोई प्रार्थना कर रहे थे। आखिर सारे शिष्य भोजन से पहले ऐसा क्यों करते हैं? क्या आप मेरी इस जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं? गुरु ने कहा, जरूर, लेकिन इसके साथ ही आज मैं तुम्हें भोजन करने के सही तरीके और भोजन के दौरान की जाने वाली गलतियों के बारे में विस्तार से बताऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे कक्ष में चलना होगा। शिष्य गुरु के कक्ष में जाकर उनके सामने बैठ जाता है। गुरु कहना शुरू करते हैं, सभी छात्र भोजन के सामने अपना सिर झुकाकर भोजन के प्रति अपना आभार प्रकट कर रहे थे, और जब वो छात्र हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे तो वो ब्रह्मांड की अनंत शक्ति को उन्हें आज का भोजन देने के लिए धन्यवाद कह रहे थे। साथ ही वो उस किसान जिसने उस भोजन को उगाया, उस मजदूर जिसने उस भोजन को आश्रम तक पहुंचाया, और उस रसोइये को जिसने उस भोजन को बनाया, उन सबके प्रति आभार प्रकट कर रहे थे। शिष्य ने पूछा, क्या आभार प्रकट करने से कुछ होता है? गुरु ने कहा, आभार प्रकट करने से किसान, मजदूर या रसोइये का तो कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसा करने से हमारे अंदर भोजन के प्रति सम्मान और लगाव पैदा होता है। साथ ही आभार प्रकट करने से हमें आंतरिक शांति मिलती है।
जिससे हम ज्यादा शांति से भोजन कर पाते हैं। साथ ही शांत मन से किया गया भोजन आसानी से पचता है व शरीर में लगता भी है। गुरु ने आगे कहा, थाली में रखा भोजन जिसे हम ग्रहण करने वाले हैं वो कुछ समय बाद हमारे शरीर का एक हिस्सा बन जाएगा, इसलिए हमें उस भोजन को किसी बाहरी पदार्थ के रूप में नहीं बल्कि अपने शरीर के एक हिस्से के रूप में देखना चाहिए। और यही कारण है कि भोजन ग्रहण करने के पहले सारे छात्र उस भोजन को बड़े ही स्नेह की दृष्टि से देखते हैं। गुरु ने शिष्य की तरफ देखकर कहा, अब हम बात करेंगे भोजन करने के सही तरीकों के बारे में। शिष्य ने हाँ में सिर हिला दिया। गुरु ने कहना शुरू किया, दिन में सिर्फ दो बार ही भोजन करो। भोजन को पचाने के लिए हमारे शरीर की ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च होता है। अगर हम पूरे दिन हर कुछ समय बाद खाते ही रहते हैं तो हमारा शरीर भोजन को पचाने में ही व्यस्त रहेगा। हम हर समय भारीपन और आलस्य महसूस करेंगे, साथ ही हमें हर समय ऊर्जा की कमी महसूस होती रहेगी, जिससे हम किसी भी काम में अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाएंगे। एक बात याद रखो, जिस भोजन से तुम्हारे शरीर को आलस्य और भारीपन महसूस हो, इसका मतलब है कि वो भोजन तुम्हारे शरीर को स्वीकार नहीं है। तुम्हारा शरीर ऐसे भोजन के लिए मना कर रहा है, इसलिए तुम्हें ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। गुरु ने कहा, दूसरी बात, जब भोजन तुम्हारे सामने हो तो उसे हमेशा अपने हाथों से छूकर ही खाओ। उसे किसी चम्मच या किसी अन्य वस्तु से ना खाएं। जब हम भोजन को अपने हाथों से छूते हैं तो हमारे मस्तिष्क को पता चलता है कि भोजन आने वाला है, जिससे मस्तिष्क हमारे मुंह, पेट और आंत से निकलने वाले रसों को पहले ही संदेश भेज देता है कि भोजन आने वाला है, जिससे हमारे अंदर का काम आसान हो जाता है। इसलिए हमेशा अपने हाथों से ही भोजन करो। तीसरी बात, हमेशा कर्तव्य भाव के साथ भोजन करें। जब भी भोजन करें तो उस भोजन के लिए इस ब्रह्मांड की अनंत शक्ति का धन्यवाद करें। साथ ही उन लोगों का भी मन में आभार व्यक्त करें जिनकी मेहनत की वजह से ये भोजन तुम्हें मिल पा रहा है। ऐसा करने से तुम भोजन करते समय ज़्यादा शांत और खुश रहोगे। चौथी बात, भोजन करने के लिए हमेशा पलथी मारकर बैठो। जब हम जमीन में बैठकर खाते हैं तो इससे हमारा मन ज़्यादा शांत रहता है, जिससे हम जरूरत से अधिक खाने से भी बचते हैं। साथ ही जब हम पलथी मारकर खाना खाते हैं तो हमें बार बार आगे झुकना होता है और फिर सीधा होना पड़ता है, जिससे हमारे आहार नाल से भोजन आसानी से गुजरता है। साथ ही पूरे परिवार के साथ जमीन में बैठकर भोजन करने से परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम ही बढ़ता है। पांचवी बात, सुबह ज़्यादा, दोपहर में कम और रात में सबसे कम भोजन करें। सूरज उगने के 2.5 घंटे बाद तक हम जो कुछ भी खाते हैं वो हमारे शरीर के द्वारा आसानी से पचा लिया जाता है, वह शरीर में सबसे ज़्यादा अवशोषित भी होता है। जैसे जैसे दिन ढलता है हमारे शरीर के द्वारा भोजन को पचाने की क्षमता कम होती चली जाती है। सूर्यास्त के बाद हमारे द्वारा ग्रहण किया गया भोजन अच्छी तरह से नहीं पच पाता और फिर यह कई शारीरिक समस्याओं का कारण बनता है। इसलिए कोशिश करो कि सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन कर लो, इससे हम बहुत सी शारीरिक बीमारियों से बच जाते हैं। छठी बात, भोजन को अच्छी तरह से चबाकर खाएं। भोजन का पाचन हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। जब हम अच्छी तरह से चबाकर खाते हैं तो पाचक रसों को भोजन को पचाने में आसानी होती है, जिससे हमारे शरीर की कम ऊर्जा और समय भोजन को पचाने में लगते हैं, जिसकी वजह से हम ज़्यादा हल्का और ऊर्जावान महसूस करते हैं। गुरु ने कहा, अब मैं तुम्हें 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जो हम भोजन से पूर्व या भोजन करने के दौरान करते हैं। पहली गलती, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट और तनाव के साथ भोजन करना। जब हम गुस्सा और तनाव जैसी मानसिक विकृति के साथ भोजन करते हैं तो हमारे शरीर पर भोजन का गलत प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि जो इंसान भोजन बना रहा था उसकी मानसिक अवस्था कैसी थी, इस बात का भी हमारे भोजन पर प्रभाव पड़ता है। दूसरी गलती, बिना भूख लगे ही भोजन करना। याद रखो, बिना भूख के खाया गया हर एक निवाला हमारे स्वास्थ्य के लिए जहर का काम करता है, क्योंकि ये भोजन ठीक से पचता नहीं और फिर ये हमारे शरीर में गंदगी के रूप में जमा हो जाता है, जो आगे चल के कई बीमारियों का कारण बनता है। लोगों को लगता है कि अगर वो ज़्यादा खाएंगे तो उनके अंदर ज़्यादा ऊर्जा आएगी, जबकि होता ठीक इसका विपरीत है। ज़्यादा खाने से हम ज़्यादा सुस्त, कमज़ोर और थका हुआ महसूस करते हैं। तीसरी गलती, बहुत सारी चीज़ें एक साथ खाना। हमारे शरीर में अलग अलग भोज्य पदार्थों को पचाने के लिए अलग अलग पाचक रस का उपयोग होता है। जब हम बहुत सारी चीज़ें एक बार में खा लेते हैं तो हमारा शरीर यह निश्चित नहीं कर पाता कि अभी कौन से पाचक रस की ज़रूरत है, जिसकी वजह से बहुत सा खाना ठीक से पच नहीं पाता और फिर यह बहुत सी शारीरिक समस्याओं को जन्म देता है। चौथी गलती, भोजन के तुरंत बाद काम पे लग जाना। जब हम भोजन करते हैं तो उस भोजन को पचाने के लिए बहुत सी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, और अगर हम खाने के ठीक बाद काम पे लग जाते हैं तो हमारे मस्तिष्क और पेट के बीच ये जंग शुरू हो जाती है कि ज़्यादा ऊर्जा का उपयोग कौन करेगा।
यही कारण है कि सालों से ये प्रथा रही है कि खाने के बाद मजदूरों को कुछ समय के लिए आराम करने का समय दिया जाता है ताकि वह अपने काम को आसानी से कर सके। इसलिए हमेशा खाने के बाद थोड़ा सा आराम करो फिर काम के लिए जाओ। पांचवा, उपवास न करना। कुछ लोग मानते हैं कि उपवास करने से शरीर में कमजोरी आती है, जबकि ऐसा नहीं है। उपवास करने से हमारे शरीर को उस गंदगी को बाहर निकालने का मौका मिल जाता है जो काफ़ी समय से हमारे शरीर के अंदर फंसी हुई थी, क्योंकि आम तौर पर शरीर भोजन को पचाने में ही व्यस्त रहता है। इसलिए उपवास हमारे आंतरिक अंगों को एक विश्राम देने जैसा है। जब वो अंग खुद की मरम्मत कर पाते हैं और शरीर से उस गंदगी को बाहर निकाल पाते हैं जो अंदर पड़ी पड़ी सड़ रही होती है। इसलिए महीने में कम से कम दो बार उपवास जरूर रखें। इसके बाद अपनी बात समाप्त करते हुए गुरु ने शिष्य के सर पे हाथ रखा और कहा, बेटे मुझे लगता है कि अब तुम्हें सब समझ आ चुका है, इसलिए तुम जाओ और आश्रम के दूसरे बच्चों के काम में उनका हाथ बटाओ, और अगर तुम्हें कोई समस्या हो या मन में कोई प्रश्न हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो। शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और वहां से चला गया। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।